दोस्तों कभी भी मुझसे बात कर सकते हो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें। ऑलरेडी 50,000 लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आप भी दीजिए। और दोस्तों मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना कॉमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बिजनेस मेरे यूट्यूब प्रमोट करें, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनको फॉलो कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है ये हमारे सब्सक्राइबर अनुभव शुक्ला ने पूछा है, सर मेरे लैपटॉप का बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, कोई टिप्स बताइए सर ताकि बैटरी बैकअप बढ़ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट के माध्यम से और मेरा बस यही उद्देश्य रहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं और आपको जल्द से जल्द हेल्प या सपोर्ट मिल सके। और आप अपना कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों ताकि मैं जो है जल्द से जल्द आपके लिए जो है आपको सेवा कर सकूं, आपका हेल्प कर सकूं, आपको सपोर्ट दे सकूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। जब भी मैं वीडियोज़ डालूंगा तो सबसे पहले आप उसको वॉच कर पाओगे। चलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप का जो बैटरी होता है उसका बैकअप जो है आप कैसे बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए लैपटॉप का जो बैटरी होता है उसका एक निश्चित साइकिल होता है, जैसे कि उसका जो है 500 साइकिल होता है। साइकिल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपका बैटरी अभी 100% पर चार्ज है, फिर वो 0% होगा, फिर आप 0% से फिर 100% करोगे तो एक साइकिल कहलाता है। इसी तरह से करते रहोगे तो फिर आप 0% आएगा, फिर 100 पर डालोगे तो फिर 2 साइकिल चलाएगा। इस तरह से करते करते 500 साइकिल्स तक आपका वो बैटरी चलता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आप जो है इसको बढ़ा सकते हो, इसके लिए जो है मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ पड़ोसी लोग हैं जिनको मैंने ये टिप्स दिया और मैंने खुद भी अपने लैपटॉप पर अप्लाई किया है और मेरा लैपटॉप का बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले बहुत कम था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वही टिप्स जो है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बैटरी, जैसे कि आपका होता है बैकअप, ठीक है, बैकअप देता है, तो होता क्या है कि आपका बैटरी जो है लैपटॉप का वो डिस्चार्ज होता रहता है। जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, 0% पर आ जाएगा, फिर उसको आप चार्ज करोगे तो जितने बार आपको उसको चार्ज करते हो उसका लाइफ लाइन जो है ख़त्म होते रहता है, मतलब उसका जो बैटरी का लाइफ है वो ख़त्म होता रहता है। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि हम बिना मतलब का बैटरी डिस्चार्ज होने से रोकें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स और टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको ज़्यादा चार्ज ना करना पड़े और आपका बैटरी लॉन्ग लाइफ तक चलता रहे। तो कुछ बातों को मैं बता रहा हूँ, इनको जरूर फॉलो कीजिए। अगर फॉलो करेंगे तो आपका बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लैपटॉप के बैटरी का। सबसे पहला बात ये है दोस्तों कि कभी भी बैटरी को पूरा खाली होने मत दीजिए। अगर मान लीजिए कि बैटरी आपका 20% पे आ गया है तो उसको चार्ज कर लीजिए। अगर आप अपना लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर को या लैपटॉप को जो है आप हाइबरनेट मोड में डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका बैटरी का खपत बहुत कम होगा, तो इससे भी आपका बैटरी का लाइफ बढ़ जाता है। दूसरा बात ये है दोस्तों कि आपका जो लैपटॉप होता है उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जो कि रन होते रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन से आपको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है लेकिन उससे आपका बैटरी जो है जल्दी डिस्चार्ज होता है लैपटॉप का बैटरी, ठीक है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो अपने लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैटरी सेवर ऑप्शन होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपका जैसे ही बैटरी 20% पर जाता है तो ऑटोमेटिक वो आपका सेवर ऑन हो जाता है और वो क्या करता है कि जितना भी आपका बैकग्राउंड में मोबाइल एप्लीकेशन जो चलता रहता है, जो आपका एप्लीकेशन लैपटॉप में चलता है, मोबाइल में नहीं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपका जो बैटरी है डिस्चार्ज पूरा नहीं हो पाएगा और फिर उसको आसानी से आपको चार्ज कर सकते हो। सिंपल सा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको बार बार आप 0% पकड़ ले जाते हो तो वैसे कंडीशन में आपका बैटरी का लाइफ कम हो जाएगा। तो ऐसा काम कीजिए कि आपका जो है आपको बार बार उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़े।
डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा आपका बैटरी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने लैपटॉप में ऑटोमेटिक ग्राफिक स्विचिंग होता है उसको इनेबल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स को बढ़ा के रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिक्सल बढ़ा के रखने से भी जो है आपका बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो उस चीज़ को भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर ग्राफिक वाले ऑप्शन को आप ऑन करके रखोगे तो आपका जो बैटरी जो है डिस्चार्ज होने से बचेगा और ज़्यादा दिन आपका वो चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप लैपटॉप में वीडियो प्लेयर्स वगैरह यूज करते हैं तो उसको जब भी बंद कीजिए तो पूरी अच्छी तरह से बंद कीजिए, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। अगर आप अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ या वाईफाई यूज कर रहे हैं तो जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, अगर आप ब्लूटूथ का काम ख़त्म हो गया है, वाईफाई का काम ख़त्म हो गया है, तो उसको स्विच ऑफ करा दीजिए। बिना मतलब का उसको स्विच ऑन करके मत रखिए, उससे भी आपका बैटरी का खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, इससे भी जो है आपका बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका बैटरी का लाइफ बढ़े। दोस्तों ये कुछ आपको मैंने टिप्स बताए हैं, अगर आप इसका पालन करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो लैपटॉप का बैटरी है ज़्यादा आपको बैकअप देगा और लगभग इसमें जो है 50 गुना से भी ज़्यादा जो है आपका बैकअप बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मैं इस चीज़ को अप्लाई कर चुका हूँ, अपने फ्रेंड्स में, अपने कुछ पड़ोसी लोगों को बता चुका हूँ, मैं खुद पर भी अप्लाई किया हूँ लैपटॉप पर, तो इससे बहुत आपका लाइफ बढ़ सकता है बैटरी का, लैपटॉप का बैटरी का। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा दोस्तों, उसको प्लीज़ आप क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आप जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कमेंट के माध्यम से मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं जो है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाकर दे सकूँ। दोस्तों कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा, ये इंस्ट्रक्शन है, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर रहे हैं। ऑलरेडी 50,000 लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आप भी दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। अपना बिजनेस मेरे यूट्यूब पर प्रमोट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ है और ये कुछ मेरे ऑफिशियल लिंक्स हैं, इनको फॉलो कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन, डाउट, एडवाइस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए दोस्तों, मैं उसका जवाब दूंगा। और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा बनाऊं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।